तो जय हिंद बच्चों, अब हम क्लास ट्वेल्थ का प्रोबेबिलिटी चैप्टर सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, बेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बेसिकली जो रूल है उसका, वो बहुत सिंपल सा है। उसको पहले फॉर्मूले पे ना जाकर हम उसका उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें समझेंगे। डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी स्वतंत्र घटनाएं और परतंत्र घटनाएं। तो स्वतंत्र घटनाओं का मतलब यह है कि कोई भी अगर घटना घटित होती है, या सैंपल स्पेस में अगर हम दो घटनाएं लेते हैं, अगर वो आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं करती, है ना, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, तो वो घटनाएं जो हैं वो स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। दूसरा आप देखिए, डिपेंडेंट घटनाएं जो हैं वो आपका मतलब दोनों घटनाएं एक दूसरे पर डिपेंड करेंगी। सबसे पहले आप एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझिए। देखिए, यदि एक बॉक्स में 10 काली और 5 सफेद बॉल्स हैं, और पहली बॉल निकालने के बाद वापस नहीं रखी जाती, तो दोनों बॉल के काले होने की क्या प्रायिकता होगी? तो देखिए, आप एक बॉक्स हमारे पास है जिसमें 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 जो है वो व्हाइट बॉल्स हैं, और 2 बॉल्स हमें निकालनी है। ठीक है, अब ये 2 बॉल्स निकालने के लिए रेंडमली निकालनी है, कोई आपका ऑर्डर नहीं है कि पहले ब्लैक निकालो पहले व्हाइट निकालो, कोई भी निकाल सकते हैं आप। तो देखिए, इसमें जो ई इवेंट है अपना, जो फर्स्ट बॉल की प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता जो निकालनी है वो दोनों बॉल्स जो है उनकी ब्लैक होने की प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए, फर्स्ट बॉल की प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 10/15, और सेकंड बॉल की प्रायिकता जो है वो बेसिकली डायरेक्ट प्रायिकता नहीं निकलेगी, सेकंड बॉल निकालने से पहले आप इवेंट ई जो है, यानी एक बॉल आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो एक इवेंट तो हो चुका है। मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई है ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई जो है वो हमारे पास आ जाएगी 9/14। अब हमको ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होता है, तो ये जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो ये आ जाएगा आपके पास 10/15 इंटू 9/14 इज इक्वल टू 3/7। तो ये जो है, ये जो रूल है बेसिकली, जो हमने देखा ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, ये मल्टीप्लीकेशन रूल हमारे पास दो घटनाओं के लिए है। अगर हमारे पास 2 से अधिक घटनाएं हैं तो उसके लिए भी मल्टीप्लीकेशन रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये नीचे दिया जा रहा है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब देखिए, जिस ऑर्डर में हमारे पास यहाँ नंबर है ई एफ जी, उसी ऑर्डर में इसको ओपन करेंगे, तो थोड़ा सा आप इसको याद भी रख सकते हैं कि सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिया, फिर मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास सेकंड प्लेस पर एफ है, तो एफ बाई ई, क्योंकि ई ऑलरेडी हो चुका है, तो देखिए आप एफ बाई ई आ गया। उसके बाद देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, थर्ड वाला, जी बाय ई इंटरसेक्शन एफ। क्यों? क्योंकि ई और एफ दोनों ही इवेंट जो है वो हो चुके हैं, तो ई इंटरसेक्शन एफ नीचे आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आ गया। तो ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ये हम देखते हैं। तो देखिए, अब हम देखेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन रूल है ये आया कैसे। तो देखिए, हमें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम यहाँ पे पी ऑफ ई बाय एफ लिखते हैं, तो आता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एफ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू निकालूँ, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। ये इक्वेशन 1 ले ली मैंने। अब जैसे मैंने ई बाय एफ के लिए फॉर्मूला लगाया है, वैसे ही मैं एफ बाई ई के लिए भी लगा सकती हूँ। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई। देखिए, आप इसको एफ इंटरसेक्शन ई भी लिख सकते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ भी लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम ही आती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये आ जाएगा नीचे पी ऑफ ई, इसको हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यहाँ करते हैं, पहले यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। ये इक्वेशन सेकंड होगी। दोनों ही इक्वेशन में देखिए आप, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हमने निकाल रखी है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम यूज करें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, दोनों की वैल्यू सेम है तो ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी। मतलब जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो मल्टीप्लीकेशन जो रूल है वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई भी हो सकता है, और हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। ये दोनों ही हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल हैं, प्रोवाइडेड जबकि हमारे पास में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये दोनों ही ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़ीरो हो जाएंगे तो फिर आप प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे यहाँ पे, इसीलिए आप ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल जो है हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही निकाला है। हमारे पास 52 पत्तों की गड्डी है, इससे अगर हम एक पत्ता निकालते हैं तो दो घटनाएं होती हैं, जैसे ई जो हमारे पास इवेंट है वो हो गया, निकाला गया पत्ता जो है वो पान का पत्ता है या हार्ट शेप का है, और जो एफ इवेंट है वो हो गया, निकाला गया पत्ता जो है वो बादशाह है या किंग है। अब आप देखिए पान के टोटल कितने पत्ते होते हैं हमारे पास, 13 पत्ते होते हैं, तो 13 डिवाइडेड बाय 52 हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4। इसी तरह से देखिए आप किंग के लिए हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 4 हमारे पास उसमें बादशाह होते हैं, 4 किंग होते हैं, तो 4/52। इनका इंटरसेक्शन अगर आप निकालेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा इवेंट जिसमें कि जो पत्ता है वो आपका हार्ट शेप का भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी तो एक ही है, तो 1/52। अब आप जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/52 / 4/52, दैट इज 1/4। यानी हमारे पास निकाला गया पत्ता जो है वो पान का ही है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इक्वल्स टू 1/4। मतलब जब एक घटना के घटित होने की घटित होने पर दूसरी, मतलब दोनों घटनाएं जब एक दूसरे से प्रभावित नहीं होती, स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं, तो इसकी जो कंडीशन है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मतलब दोनों के इंडिविजुअल अलग अलग प्रोबेबिलिटी का जो प्रोडक्ट है वो उसको वो इनके इंटरसेक्शन के इक्वल आ जाना चाहिए, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल, और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है वो इसके इक्वल नहीं आते। या हम उसको लिख सकते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन अगर नल सेट आता है, नल सेट यानी जीरो, कैसे आएगा कि मान लीजिए आपके पास कोई सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, सैंपल स्पेस है ये, इसकी दो घटनाएं ली मैंने, ई में मैंने ले लिया इवन नंबर्स का सेट 2, 4, 6, एफ में लिया है ऑड नंबर्स का सेट 1, 3, 5, तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास 5 आएगा क्योंकि दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो दोनों इवेंट्स है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं, या जिन्हें हम अपवर्जी घटनाएं भी कहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छ या बिना प्रतिस्थापित किए गए दो पत्ते निकाले गए, दोनों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है कि 52 पत्तों की गड्डी है और रेंडमली उसमें से हम दो कार्ड्स निकालते हैं, और दो कार्ड्स निकालने पर बिना प्रतिस्थापित यानी विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो कार्ड आपने एक बार निकाल लिया उसको आप दोबारा उसमें नहीं रखेंगे, ठीक है, उस तब आप जो दो पत्ते निकाले गए हैं उनके काले रंग के होने की क्या प्रायिकता है वो ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो 52 पत्तों का या जो ताश के पत्तों का जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके लिए मैं आपको एक चार्ट बताती हूँ, उस चार्ट के बेस पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसको, तो देखिए अब ये देखिए आपको दिखाया भी जा रहा है 52 कार्ड्स हैं, इसमें हमारे पास चार तरह के कार्ड्स होते हैं, देखिए स्पेड जिसको हम हुक्म कहते हैं, क्लब जिसको हम चिड़ी कहते हैं, हार्ट मतलब पान, और डायमंड यानी ईंट के पत्ते। ये इस तरह से चार तरह के हमारे पास स्वीट होते हैं, इसमें जो स्पेड है यानी हुक्म जो है ये 13 होते हैं, ये चुड़ी के भी 13 पत्ते हैं, मतलब ये सभी जो स्वीट हैं ये 13-13 हमारे पास होते हैं। अब देखिए स्पेड और क्लब यानी हुक्म और चुड़ी जो है ये आपके पास ब्लैक कलर के पत्ते होते हैं, तो टोटल ब्लैक कलर के हमारे पास कितने पत्ते हो गए, 26। इसी तरह से आप देखिए हार्ट और डायमंड शेप के यानी पान और ईंट के जो पत्ते हैं ये भी आपके पास रेड कलर के होते हैं, तो टोटल हमारे पास रेड कलर के 26 पत्ते हो गए। अब आप देखिए जो हमारे पास नंबर डिजिट है, देखिए आप हुकुम के भी हमारे पास के पत्ते होंगे, यहाँ चिड़ी के भी होंगे, फिर हार्ट शेप के भी होंगे, फिर ईंट के भी होंगे, तो ये सभी इन सभी स्वीट में रहते हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर कार्ड्स कितने हो गए, 36 हो गए। इसी के साथ आप देखिए एस या जिसको हम इक्का बोलते हैं वो चार तरह के होते हैं, चार इक्के हमारे पास होते हैं। फेस कार्ड जो गुलाम बादशाह और जो बेगम है ये हमारे पास कितने हैं, चार चार हर उसमें होते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके पास
जे के और क्यू, यानी जो फेस कार्ड्स हैं वो कितने हो गए, 12 हो गए आपके पास। इसके बाद आप देखिए, तो देखिए अब हम देखते हैं कि यहां हम इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता, तो आप देखिए 52 पत्ते हैं टोटल हमारे पास, और जो काले पत्ते हैं वो काले रंग के पत्ते कितने होंगे, टोटल 26। अभी हमने चार्ट में देखा 26 टोटल काले रंग के पत्ते हैं, तो जब आप पहले पत्ते को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 26/52। और यहाँ पे आप देखिए बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब जब आपने एक पत्ता निकाल लिया है तो आप वापस उस पत्ते को वापस नहीं रखेंगे, तो आपके पास टोटल कितने हो गए यहाँ पे पत्तों की संख्या इंटू यहाँ पे आ जाएगा 26 में से 25 ही बचे, मतलब अब आपके पास दूसरा पत्ता निकालना है तो इसकी प्रायिकता 25/51 हो जाएगी, क्योंकि एक पत्ता कम हो चुका है। तो देखिए बिना प्रतिस्थापित किए हमें प्रायिकता निकालनी है, बिना प्रतिस्थापित किए दो पत्तों की, तो ये इस तरह से आप निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर आएगा हमारे पास 25/102। इसमें एक कंडीशन और है, मान लीजिए अगर यहाँ पे जैसे बिना प्रतिस्थापित किए बताया गया है, अगर प्रतिस्थापन हो रहा होता, मतलब अगर रिपीटेशन होता है ना, तो क्या होता कि ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, जो आपको बता रही हूं मैं, ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, पर आप दोनों कंडीशन इसमें समझ लीजिए। तो पहला पत्ता जब आप निकालते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाती है 26/52 इंटू दूसरा पत्ता निकालने के भी 26/52, क्यों, क्योंकि हमने वो पत्ता अगेन उसमें डाल दिया है, और जब हमने वो कार्ड उसमें डाल दिया है तो हमारे पास अगेन जो प्रोबेबिलिटी है वो 26/52 ही होगी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो विद रिप्लेसमेंट की कंडीशन में हमारे पास इस तरह से ये जो सॉल्यूशन है वो हम करते हैं, विद रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन करते हुए अगर हम ये प्रायिकता निकालेंगे तो हमारे पास इस तरह से सॉल्व होती है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था बिना प्रतिस्थापन के, तो आंसर हमारा ये है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक न्याय सिक्के, न्याय मतलब फेयर, फेयर कॉइन का मतलब होता है कि जैसे कई बार हम देखते हैं कि अगर हेड और टेल है तो वो क्लियरली उस पर शो नहीं होता कि हेड है कि टेल है, ठीक है, तो क्लियरली हेड और टेल शो होना चाहिए, उसको हम फेयर सिक्का या फेयर कॉइन बोलते हैं। दूसरा अभिनत यानी अनबायस्ड पासे, मतलब अनबायस्ड डाइस जो है उसका मतलब यह है कि इसमें हर नंबर क्लियरली शो होना चाहिए, किसी तरह का कोई उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसके दोनों को साथ में उछाला गया है। अब मान लीजिए ए घटना जो है वो सिक्के पर चित्र प्रकट होता है और बी घटना पासे पर संख्या का 3 प्रकट होना है। तो देखिए आप, ए घटना हमारे पास क्या है, सिक्के पर चित्र का प्रकट होना, मतलब जो कॉइन है उस पर हेड आना चाहिए। दूसरा बी घटना जो है उसमें पासे पर संख्या का 3 प्रकट होती है, मतलब पासे पर संख्या जो है वो 3 आना चाहिए और वहां हमें हेड मिलना चाहिए। तो इसको निरूपित करते हैं, ये दोनों घटनाएं हैं, हमें ये देखना है कि घटनाएं जो हैं ये स्वतंत्र हैं या नहीं, घटनाएं जो हैं वो स्वतंत्र हैं या नहीं, हमें ये चेक करना है, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं है। तो आप देखिए सबसे पहले इसके लिए सॉल्यूशन में हम देखेंगे, दिया है, देखिए सिक्के और डाइस दोनों को अगर हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा, हो सकता है हेड के संग में 1 अगर आएगा तो टेल के संग भी 1 आ सकता है, देखिए H1 T1, तो देखिए ये हो जाएगा H1 T1, H2 T2, H3 T3, H4 T4, H5 T5, H6 and T6। तो देखिए आप, हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें हो सकता है कि हेड के संग 1 आ जाए और टेल के साथ भी 1 आ सकता है, तो सैंपल स्पेस में तो ये कंप्लीट पॉइंट्स रहेंगे आपके, ठीक है। तो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए हमारे पास, 12 हमारे पास टोटल सैंपल पॉइंट्स हैं। अब हम देखते हैं घटना ए,
घटना ए क्या दिया है, सिक्के पर चित्त या जिसको हम बोलते हैं हेड प्रकट होता है। तो देखिए हेड प्रकट होता है अगर सिक्के पर, तो कौन कौन से हमारे पास घटनाएं हैं, ऐसे कौन से आउटकम है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हम यहां पे इसके लिए अगर प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना, 6/12। ठीक है, हेड प्रकट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/12। इसी के साथ आप देखिए जो बी घटना है उसमें संख्या 3 प्रकट होती है, तो पांसे पर, पांसे या जिसको हम डाइस बोलते हैं, पर संख्या 3 का प्रकट होना। ठीक है, 3 का प्रकट होना, अब पांसे पर संख्या 3 का प्रकट होना, तो 3 कहां कहां प्रकट हो रहा है, देखिए अभी H3 में आ रहा है, इसमें आ रहा है, मतलब दो ही आउटकम हमारे पास ऐसे हैं जिसमें 3 हमारे पास आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास हो जाएगी 2/12। ठीक है, ये दो ही आउटकम हैं। इसके बाद हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब सिक्के पर हेड आए और डाइस पर 3 आए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी या ऐसा आउटकम हमें कहां मिल रहा है, आप देखिए H3, यहां देखिए आप हेड भी आ रहा है और 3 नंबर भी आ रहा है, तो हमारे पास इसका इंटरसेक्शन आ गया 1/12, इसका इंटरसेक्शन आ गया है। ठीक है, अब आप देखिए हमें ये देखना है कि ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं, कौन सी, ए और बी। तो उसके लिए हमें पता है कि कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को किसके इक्वल होना चाहिए, दोनों के इक्वल, दोनों के इंडिविजुअल अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा 6/12 और ये हो जाएगा 1/6, 6 से 6 कैंसिल होगा और ये देखिए हमारे पास LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया है। इसका मतलब कि आपके जो इवेंट्स हैं वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं या स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये देखिए ये आपका आंसर आ गया है। तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने सीखा कि मल्टीप्लिकेशन रूल किस तरह से अप्लाई करते हैं हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और बहुत इजीली जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फॉर्मूला ज़रूर हमें देखने में थोड़ा ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट लेकिन उसको करने का तरीका जो है वो बहुत सिंपल ही रहता है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल के पे बेस्ड हमने क्वेश्चन आज यहाँ सॉल्व किए हैं और ये आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं, इन्हें आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच।